हेलो दोस्तों, आज जो है मेरा आगे का क्लास सेकेंड क्लास है एपी का, जो आज हम लोग आगे देखेंगे। जो इसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे श्रेणी के जो सीक्वेंस देखे थे, आज उसी के आगे हम लोग श्रेणी देखने वाले हैं। श्रेणी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है इसमें। तो हम आपको श्रेणी के बारे में बताने वाले हैं, श्रेणी होता क्या चाहिए। तो जिसको भी अगर डिफिनेशन में डाउट है, डिफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे कि डिफिनेशन होता है क्या चीज़। जैसे कि देखेंगे श्रेणी क्या है, श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अनुक्रम के पदों को, मतलब जो सीक्वेंस होता है उसमें प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो राशियाँ श्रेणी बन जाती। मतलब कोई भी सीक्वेंस में अगर प्लस और माइनस का चिन्ह उसमें ऐड कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर द कनेक्टेड विद द प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड अ सीरीज। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8 है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह का यूज़ किया गया है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, मतलब ये सीक्वेंस में भी है। कैसे कि 2 में +2 ऐड करने पे 4 मिल रहा, 4 में +2 ऐड करने पे 6 मिल रहा, 6 में +2 ऐड करने पे 8 मिल रहा। इसी तरह से सीक्वेंस भी है, और इसमें जो चिन्ह का भी यूज़ किया गया है तो ये क्या चीज़ है, सीरीज है। अब सीरीज भी दो टाइप का होता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एक आता है फिनाइट सीरीज होता है, दूसरा क्या आता है, इनफिनाइट सीरीज आता है। फिनाइट सीरीज में हम लोग सीक्वेंस में भी देखे थे कि फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से अगर कोई भी टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सीमित रहेगा, तो उसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इनफिनाइट में क्या चाहिए, नंबर ऑफ सीक्वेंस इनफिनाइट रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, अशांत रहेगा। तो ये था हम लोग का श्रेणी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, श्रेणी के बाद देखेंगे सीढ़ी, प्रोग्रेशन क्या चाहिए होता है। तो प्रोग्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सीढ़ी प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि इफ़ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर द सीरीज आर रिटेन अंडर द स्पेसिफाई कंडीशन देन द सीक्वेंस और द सीरीज इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन को 3 भाग में बांटा गया है, एपी है, जीपी है और एचपी है। अब हिंदी में भी इसका मीनिंग देख लेते हैं, यदि अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो इस अनुक्रम या श्रेणी को क्या कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीढ़ी जो प्रोग्रेशन है उसको 3 भाग में बांटा गया है, एपी के बारे में है, उसके बाद जीपी के बारे में, उसके बाद एचपी के बारे में। तो समांतर श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया, हार्मोनिक श्रेणी हो गया, जो हारात्मक श्रेणी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मेरा क्लास रहेगा वो एपी के बारे में रहेगा। अर्थ इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है। तो इसमें बोला गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन आर सेम देन द प्रोग्रेशन इज नॉन एज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं, जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से यहाँ पे देखेंगे, इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको, 2 + 2, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A1 बोलेंगे, 2 लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला है, A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें माइनस करते हैं 4 - 2, तो इसका डिफरेंस कितना मिलता है, 2। उसी तरह से हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं, A3 - A2, तो इसमें देखेंगे 6 - 4, ये डिफरेंस आया 2, इसका भी डिफरेंस आया 2। मतलब जो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे तो अभी हम लोग का डिफरेंस 2 का, इसको इससे माइनस करेंगे तो अभी डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसको इसको डिफरेंस निकालेंगे तो अभी 2 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे सब में 2 का, मतलब डिफरेंस आर इक्वल। तो अगर किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस अगर इक्वल है, बराबर है, तो वे क्या कहलाएगा, हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में कहलाएगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा। तो इसको देखते हुए एपी का कुछ फार्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं जो आगे चैप्टर आपको बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं
टीएन निकालने के लिए या लास्ट टर्म या एन निकालने के लिए ये फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इससे अगर किसी टर्म में अगर टी एन फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है, चाहे ए एन फाइंड करना है, जिसमें से दिया हुआ रहेगा फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, तो हम इससे फार्मूला से निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉमन डिफरेंस को डिफरेंस भी बोलते हैं, इसको निकालने के लिए, और इसका हिंदी में सार्व अंतर भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग मालूम है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ए टू माइनस ए वन, तो ये फार्मूला हो गया हम लोग का। फिर अगर इसमें देखेंगे जो ए पी का जो सीरीज आता है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इस तरह का इसका सीरीज आता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, उसी तरह से फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, उसी तरह से फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं फिफ्थ टर्म और यहाँ पे लिख रहे हैं कितना, फोर्थ। तो अगर उसी तरह से अगर हंड्रेड टर्म अगर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस नाइन्टी नाइन डी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हंड्रेड रहे तो क्या लिखना है, एक कम लिखना है। जैसे कि इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका जो करंट बुक है उसी बुक का हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर जिसको नोट डाउन करना है, क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत स्लो बता रहे हैं, कि उस अनुक्रम को लिखिए जिसका एनवा पद दे दिया हुआ है, मतलब एन टर्म दिया हुआ है, एन बाई एन प्लस वन है। राइट द सीक्वेंस हुज एंथ टर्म इज एन बाई एन प्लस वन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगर इसको है नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट है, जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरा। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका हम लोग का क्या दिया हुआ, क्वेश्चन वन है, टी एन इक्वल टू दिया हुआ है, टी एन भी बोल सकते हैं, इसको ए एन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ था एन एन प्लस वन। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या हम लोग का दिया हुआ है इसमें। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे एन की जगह में, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म एन की जगह में वन पुट करते हैं, तो ये हम लोग का टी वन हो जाएगा, और यहाँ पे एन है इसमें पुट करना है वन, तो यहाँ पे पुट करेंगे वन प्लस वन, तो ये हम लोग का टी वन निकल जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालना है तो एन की जगह में कितना पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो ये मेरा टी टू निकलेगा। अब यहाँ पे टू हो जाएगा, टू प्लस वन हो जाएगा, तो ये हम लोग का मिलेगा टू बाई थ्री मिलेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए एन की जगह में हम पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का मिलेगा टी थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और थ्री प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे थ्री बाई फोर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे मिला फर्स्ट टर्म मिला, ये सेकेंड टर्म मिला, और ये हम लोग का मिला थर्ड टर्म। तो हम लोग का ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस मिला फर्स्ट टर्म में वन बाई टू, सेकेंड में मिला टू बाई थ्री, और ये मिला थ्री बाई फोर। इसी तरह से ये हम लोग का क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।